अवॉइड कर रहे हैं दोस्तों, हम ग्लोव्स का यूज किए हैं। छत के ऊपर रेस्क्यू किया गया है, ज्यादा देर न करते हुए। आप हमारे या हमारी टीम के किसी भी सदस्य का रेस्क्यू देखकर दोहराने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। धन्यवाद। प्लीज डू नॉट ट्राई टू रिपीट द रेस्क्यू ऑफ अस और एनी मेंबर ऑफ आवर टीम आफ्टर सीइंग इट, इट कैन बी फेटल। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, राम गोविंद रेस्क्यू टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राम गोविंद अपने बचाव टीम के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी अभी सुबह का टाइम है, अभी अभी हमारे पास एक फ़ोन आया था, गांव के बाहर ही घर है वहीं पे आ चुके हैं हम, और बता रहे हैं कि छत पर हमारे गांव में मतलब गोबर को पाथा जाता है चिपरी के रूप में, घोरा बोलते हैं उसे भोजपुरी में, देखा गया है सांप दोस्तों। अब छत के ऊपर कैसे चढ़ गया ये तो पता नहीं, चढ़ने वाला जगह होगा। आइए चलते हैं, सीधे छत के ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। लोगों की काफी भीड़। राम गोविंद रेस्क्यू टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू राम गोविंद रेस्क्यू टीम। ये हमारे दोस्त हैं सोनू भाई, उनके यहाँ एक निकला है छत पर। कैमरामैन आदरणीय विक्रम जी के साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ। कहाँ पर सांप लगे गए? इसी में देखा गया है ना। चलिए देखिए, देखते हैं। दोस्तों ये कुछ दिन पहले केंचुली भी छोड़ा हुआ है और देखते हैं कहाँ पर सांप है। दोस्तों सांप दिख गया है, आप सभी को अभी दिखाते हैं इसका रूप। हम दस्ताने का यूज करेंगे दोस्तों। अभी क्लियर देख के पहचानते हैं कौन सा सांप है, फिर इसका नाम बताते हैं आप सभी को। दोस्तों यहीं पे देखा गया है। अरे भैया देखा, इसका रेस्क्यू हो चुका है दोस्तों। इसका नाम होल्ड स्नेक है, देखिए कैसे बाइट कर रहा है दोस्तों। हम ग्लोव्स का यूज किए हैं और ये जहरीला नहीं होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों किस तरह मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों इसका रेस्क्यू हो गया है, यहाँ लोगों की काफी भीड़ भी लगी है। छत के ऊपर इसका रेस्क्यू किया गया है, ज्यादा देर न करते हुए इसको पैक करेंगे और अच्छी जगह भी इसे रिलीज करेंगे। कोई पैक करने वाला सामान लाइए। देखिए दोस्तों कितना खतरनाक, कितना बड़ा है। हम ग्लोव्स का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी कि बाइट कैसे करते हैं।
आइए दोस्तों इसे पैक करते हैं और कहीं अच्छी जगह पर इसे ले जाकर छोड़ते हैं। आप सभी को भी बताना चाहेंगे कि हमारे दोस्त हैं सोनू, उनके यहाँ से रेस्क्यू किया गया था। ये वुल्फ स्नेक है, जहरीला नहीं होता है और इससे लोग क्रैच समझ के इसे मार देते हैं। क्रैच दोस्तों क्रैच के सर के ऊपर से करीबन 2 इंच की दूरी पर सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट पुट्टी पाया जाता है, पट्टी चौड़ा पतला पतला बिल्कुल, वो करैत होता है, वो जहरीला होता है। लेकिन इसके सर के ऊपर से ही दोस्तों देख लीजिए, सर के ऊपर से ही पाया जाता है पट्टी चौड़ा चौड़ा, और इसका पूरी तरह से कलर ब्लैक नहीं होता, थोड़ा देख लीजिए चॉकलेटी कलर का है और वाइट वाइट पट्टी है। ये वुल्फ स्नेक है, लेकिन लोग क्या होते हैं इसे करैत समझ के मार देते हैं, ये जहरीला नहीं होता है। आइए इसे पैक करते हैं और इसे कहीं अच्छी जगह पर छोड़ते हैं। पैक कर चुके हैं दोस्तों इसे और डब्बे में पहले से ही छेद है, अब हम इसे ले जाकर किसी अच्छी जगह पर छोड़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसे रिलीज करते हुए। ठीक है दोस्तों, गांव से काफ़ी दूर हम आ चुके हैं, अब इसे छोड़ देंगे शुद्ध वातावरण में। ये खेत खलियान है, ये जहरीला नहीं होता है दोस्तों, इससे किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। अगर आप लोग इसे ना मारे, करेज समझ के ना मारे, ये जहरीला नहीं होता है, और अफवाह से बचें। अगर दोस्तों आप एसी कूलर पंखा ये बिजली इत्यादि चीज़ें चलाते हैं, अगर उसमें कोई टेक्निकल गड़बड़ी आ जाती है तो आप हमारे सागर इलेक्ट्रॉनिक पटियन चौराहा के पास दुकान स्थित है, हमारे परम मित्र हैं चंद्र विजय भारती, उनके पास जाएं और अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान का मरम्मत करवाएं। स्क्रीन पर उनका नंबर दिख रहा होगा दोस्तों और उनके पोस्टर का फोटो भी दिख रहा होगा। आप लोग जाएं और प्लम्बरिंग से कोई रिलेटेड, जैसे छत का वायरिंग वायरिंग करवाना है, उसके लिए भी कॉन्टैक्ट करें। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए अब इसे हम छोड़ेंगे, आप लोग देखेंगे कितना खतरनाक है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसे छोड़ दिए हैं दोस्तों, अब ये अपना चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोहराने की कोशिश ना कीजिएगा, कोई भी सांप जहरीला हो या ना हो आप लोग पकड़ने की कोशिश ना कीजिएगा, ये जानलेवा हो सकता है। ये हमारे बिल्कुल, ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा बाकायदा ट्रेनिंग और हमारा एजुकेशन जो है सांपों पर किया गया है, पढ़ाई किया गया है, तब ये कर पा रहे हैं। आप लोग दोहराने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में आप सभी के प्यार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्ते।